आज हमारे अध्ययन का विषय है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता की अवधारणा के प्रतिपादन का श्रेय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को है। नेहरू जी, टीटो जी और नासिर जी इस नीति के कर्णधार थे। तब से लेकर आज तक यह आंदोलन अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए अग्रसर है। भारत ने सोवियत रूस तथा अमेरिका के गुटों से पृथक रहने की जो नीति अपनाई उसे गुट निरपेक्षता की नीति अथवा असंलग्नता की नीति के नाम से जाना जाता है। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय समस्त संसार दो शक्ति गुटों में बटा हुआ था। एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ था। भारत ने दोनों गुटों से पृथक रहने की नीति अपनाई। गुटबंदी में शामिल होना न तो भारत के हित में था और न ही संसार के। असंलग्नता की नीति सकारात्मक है न कि नकारात्मक, अर्थात गुट निरपेक्ष राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जगत की समस्याओं को सुलझाने में सकारात्मक भूमिका अपनाएंगे। भारत प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की तरह अंतर्राष्ट्रीय जगत में तटस्थता या नकारात्मक रहने की नीति नहीं अपनाएगा। वह विश्व रंगमंच का सदस्य रहेगा, हर समस्या को सुलझाने का प्रयास करेगा, परंतु उसका प्रयास शांतिमय तरीकों का होगा न कि हिंसात्मक तरीकों का। भारतीय गुट निरपेक्षता का अर्थ पृथकतावाद कदापि नहीं है। विश्व की सामान्य समस्याओं में वह भाग लेता है तथा उसे युद्ध में भी भाग लेना पड़ेगा तो ऐसा भारत भाग लेगा, जैसा पूर्व में भी हो चुका है। यह शांति, स्वावलंबन, स्वतंत्रता, समानता तथा सहयोग की स्थापना करने का एक आंदोलन है। सातवें गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा भी था कि गुट निरपेक्षता का लक्ष्य राष्ट्रीय स्वाधीनता है। यह शांति का और लड़ाई से बचने का रास्ता है। इसका उद्देश्य सैनिक
गुटबंदियों से दूर रहना, यह राष्ट्रों के बीच समानता का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को लोकतांत्रिक रूप दिए जाने का समर्थक है। यह पारस्परिक लाभ के आधार पर विकास के लिए सहयोग का आंदोलन है। यह विश्व की विविधता को मान्यता प्राप्त करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने की नीति है। असंलग्नता की नीति साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंग भेद तथा आर्थिक शोषण, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आधिपत्य के विरोध की नीति है। ऐसे राष्ट्र का जो उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी या रंगभेद की नीति रखेगा या दूसरों के मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप करेगा, असंलग्नता की नीति को मानने वाले सभी राष्ट्र उसका विरोध करेंगे। अंततः यह कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है गुटों से पृथक रहना, शीत युद्ध में भाग नहीं लेना। यह तटस्थता नहीं है। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर उसके गुण दोषों के आधार पर निर्णय लेना और विरोधी गुटों के बीच संतुलन बनाए रखना गुट निरपेक्षता का सही अर्थ है। थैंक यू।